आप सभी का बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर जक्का। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं, आप सिविल लिटिगेशन करो या क्रिमिनल लिटिगेशन करो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने हमारी तरफ से ऐसा सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं और आज के टॉपिक का टाइटल क्या है। टाइटल है अनरैप द रिडल ऑफ पंचनामा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम पंचनामा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था बाबरनामा, मतलब बाबर ने लिखा हुआ नामा, मतलब बाबर ने जो सारी चीजें लिखी वो बाबरनामा। और अगर हम बोलेंगे पंचनामा तो समझते हैं। पंच अगर समझा जाए तो जब भी हम महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलते हैं तो हम अंपायर्स को पंच कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अंपायर्स पंच मतलब द वन पर्सन हु डजंट हैव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। जो दोनों भी टीम है उनके तरफ से उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उनको पंच कहा जाता है। जो ऑब्जर्वेशन करता है उस चीजों, उनके सुपरविजन के अंडर वो सारी चीजें चलती हैं। तो आइए समझते हैं कि पंचनामा है क्या। जैसे मैंने कहा कि पंच अ पर्सन डजंट हैव पर्सनल इंटरेस्ट, या उस बंदे का कोई भी रिलेशन उस चीजों से नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हो जाते हैं और जब भी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर होता होगा, उसके बाद 376 रेप होता होगा, उसके बाद व्हाट वी से थेफ्ट होता होगा, इन सारी चीजों में आपको पंचनामा, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस है, आपको पंचनामा वहां पे बहुत ही टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी कोई ऐसा ऑफेंस होता है तब पंचनामा किया जाता है। पहली बार पंचनामा मेरे सामने, ये पंचनामा, ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने पहली बार कैसे आया, लेट्स मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। कि एक बार हम कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, जब वन ऑफ आवर फ्रेंड केम आउटसाइड द रेस्टोरेंट और जब अपनी बाइक बाहर निकाल रहे थे तो पीछे से वाटर टैंकर ने उनको कोलाइड कर दिया, एक वाटर टैंकर ने उनको ठोक दिया, उसमें मेरे दोस्त को बहुत सारी इंजरी हुई। तो वहां के कुछ लोगों ने, जैसे नॉर्मली इंडिया में होता है, सिटीज में होता है या कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां के जो लोग होते हैं तो पहले जिसे इंजरी हुई है उसको हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है, और उसके बाद जो ड्राइवर था उसकी वहां की जो पब्लिक जमा हुई उन्होंने थोड़ी सी पिटाई कर दी और उनको लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मेरा दोस्त हॉस्पिटल में गया और जो बंदे ने वाटर टैंकर से मेरे दोस्त को ठोका था वो ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में ले, लोकल पुलिस स्टेशन में ले गए। वहां पर FIR बनी, प्रॉपर प्रोविजंस, प्रॉपर सेक्शंस लगाए गए, मोटर व्हीकल एक्ट से भी कुछ सेक्शंस लगे उस वक्त। और उस वक्त में वहां से जब हम वहां पुलिस स्टेशन में पहुंचे, हमारे कुछ दोस्त हॉस्पिटल पहुंचे और मैं ऐसा वहां पे था जो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाने के बाद जब FIR बनी तब एक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ उस सिचुएशन जहां पे ये घटना घटी थी, जहां पे ये ऑफेंस हुआ था, पुलिस के हिसाब से हम वहां पे पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद जो पंच होते हैं, बेसिकली आप देखोगे कि उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो पंचनामा करना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे, अच्छे सब्सटेंटिव बुक्स में पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पंचनामा इज अ पीस ऑफ एविडेंस, एक एविडेंस माना जाता है और पंच को विटनेस भी माना जाता है। तो आइए समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। उस वक्त ऐसा हुआ कि हम वहां पे पहुंचे पुलिस ऑफिसर के साथ, जो दो कोई बंदे उनको ठीक लगे उनसे उनको पंच बनाया गया और वो सारी सारी जगह को जहां पे ये इंसिडेंट हुआ उस जगह का एक स्केच, एक पेपर के ऊपर स्केच बनाया गया और वहां से जो जो चीजें सीज करने लायक थी वो चीजें सीज की गई। सीज करने लायक क्या था, वो बाइक थी जहां से जिसपे मेरे दोस्त की जो बाइक थी वो बाइक को सीज किया गया, वो जो बड़ा सा टैंकर था उसको सीज किया गया और उस जगह से एक स्केच बनाया गया कि जो नजदीक की चीजें है उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैप बनाने के बाद, एक प्रॉपर स्केच, मैप स्केच बनाने के बाद उसमें वो सारी चीजें ढाल दी। तो ये इसे हम पंचनामा कहते हैं। जब भी ये कोर्ट में स्टैंड होता है और वो जो दो लोग थे जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है एंटायर केस में, बिकॉज दे आर अनबायस्ड,
उनको जो बोलना है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी उस सारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी पुलिस का बायस अप्रोच नहीं था, किसी एक पार्टी को बचाने के लिए एक पार्टी की हेल्प करने के लिए उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं था, उन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। ये हुआ एक एग्जाम्पल जो मेरे सामने हुआ था। ये पंचनामा वहां पे होने के बाद जब भी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में होता है तब जाके पंचनामा के जो विटनेस होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। तो आइए समझते हैं, मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि पंचनामा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचनामा। पंचनामा प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन। जब कोर्ट में केस खड़ी होती है तो पंचनामा बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। उसके बाद पंचनामा करता है क्या, इट सपोर्ट्स दी एविडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड एट क्राइम सीन। जब भी कोई ऐसा क्राइम सीन हुआ है, जब भी किसी का मर्डर हुआ है, जब भी किसी को मार दिया गया है और जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे पुलिस हो या दूसरी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो हमारे देश में, अगर वो वहां पर आती है और जब वो क्राइम सीन देखती है तब वहां से कौन सी सारी चीजें उनको बरामद होती है। जैसे अगर नाइफ से खून किया गया है, नाइफ है तो फिर नाइफ, अगर जब जब प्रॉपरली उस जगह को सही तरीके से सर्च किया जाता है तो बाल हो सकता है, फुटप्रिंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो फोरेंसिक लैब में जाएगी वो सारी चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्डेड वर्जन में डाला जाता है, उसे पंचनामा कहा जाता है। तो मैंने कहा कि इट सपोर्ट्स एविडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड एट क्राइम सीन। उसके बाद सीजर इफ एनी फ्रॉम अक्यूज्ड, अगर कोई अक्यूज्ड होगा, अगर उसको पकड़ा जाता है कोई भी ऑफेंस के लिए, जैसे मैंने पिछले एक एग्जाम्पल में बताया मेरे दोस्त का एग्जाम्पल, जो पुलिस जो ड्राइवर था उस वक्त वो अक्यूज था, until unless he will not get convicted from the court, उसको कन्विक्शन नहीं मिलता तब तक वो अक्यूज ही माना जाता है, वो आप सबको पता होगा। तो हम अक्यूज ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो जो अक्यूज था उसके जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से कौन सी सारी चीजें बरामद हुई और वो बरामद होने के बाद वो भी चीजें पंचनामा के अंदर डाली जाती है। और पंचनामा के अंदर कौन सी सारी चीजें होती है आइए समझते हैं। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक का है अनरैप द रिडल ऑफ पंचनामा में, पहला है जब भी पंचनामा बनाया जाता है तो उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। कंटेंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं, समझने में बहुत ही सरल है, सहज है। पहला, नेम एंड प्लेस ऑफ पुलिस स्टेशन। पहली चीज, जिस हद में ऑफेंस हुआ है, जो वाटर टैंकर मेरे दोस्त को आके कोलाइड हुआ था जिससे उसको इंजरी हुई, वो हॉस्पिटल में गया, उसका लेफ्ट लेग व्हाट वी से फ्रैक्चर हुआ, वो वाला कौन से मतलब वो वाली चीज कौन से पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में हुई, कौन से पुलिस स्टेशन के हद में हुई, तो पंचनामा के ऊपर उस पुलिस स्टेशन का नाम और जगह। आप देखोगे कि नेम एंड प्लेस ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी अदर अथॉरिटी, नाम और उस जगह का पुलिस स्टेशन का नाम होना चाहिए वहां पर। उसके बाद अदर अथॉरिटी, अभी आप सोचोगे कि अदर अथॉरिटी क्या होती है। कोई कोई केसेस ऐसी होती है जहां पर दूसरी अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन, दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी, हमारे देश में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, आप देखोगे कि दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहां पर पंचनामा बनाती है, तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी हम अपनी केस प्रोसिक्यूशन के हिसाब से कोर्ट में लेके जाते हैं। आइए समझते कि उसके बाद में कौन सा कंटेंट जो बहुत जरूरी होता है पंचनामा में। दूसरा है नेम एज एड्रेस ऑफ पंच, मतलब दो होंगे, दो से ज्यादा होंगे, पांच होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, डिपेंडिंग हाउ द पुलिस ऑफिशियल्स और द प्रोसिक्यूशन वांट्स टू मेक द केस स्ट्रॉन्ग। कैसे हमारी अपनी केस स्ट्रॉन्ग बनेगी उस चीज को मद्देनजर रखकर वो उन पंच के नाम, उनकी उम्र और उनका एड्रेस। मैंने कहा कि पंच इट्स वन ऑफ द वाइटल विटनेस ऑल्सो, वाइटल विटनेस पहला। दूसरी चीज ऐसी, अगर ऐसी भी सर्कमस्टांसेस आ सकती है कि जहां पे ऑफेंस हुआ है वहां पे कोई एविडेंस ही नहीं है, किसी ने कोई विटनेस ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं वो वाला ऑफेंस, तब क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुए हैं इसलिए भी पंच का इस्तेमाल किया जाता है।
पुलिस का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। जब भी कोई, जैसे आप देखोगे कि 174 ऑफ सीआरपीसी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में आप देखोगे कि कोई सुसाइड कर लेता है, चार दीवारों के अंदर एक बंद कमरे में कोई सुसाइड करता है, किसी ने किसी को देखा नहीं, और नहीं देखने की वजह से होता क्या है कि वहां पर कोई विटनेस नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पुलिस ऑफिसर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पर आती है, तो वहां पर कुछ ऐसे लोग लगते हैं जो बहुत ही जरूरी है कि सारी जो चीजें वहां पर थी, सारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो पंचों के सामने हुई, पुलिस में, पुलिस ऑफिसर्स ने उसमें कोई हेर फेर नहीं की, उस चीज के लिए हमें पंच बहुत ही जरूरी। ये दूसरा क्रूशियल पॉइंट था जो आपको समझने की जरूरत है, पंच की क्रेडिबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का एसेंस समझने। नेम, एज, एड्रेस ऑफ पंच बहुत जरूरी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत जरूरी, रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्टार्टेड एंड एंड्स, आपने पंच नामा कब कमेंस किया, कौन से टाइम पे कमेंस किया, कौन सी तारीख को कमेंस किया, और पंचनामा आपने कब खत्म किया, वो सारी चीजें कंटेंट्स ऑफ पंचनामा में आएगी, आनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद नेम एंड रैंक ऑफ द ऑफिसर, वो बंदा जो पंचनामा कर रहा है उसका नाम और उसका रैंक बहुत जरूरी। पुलिस उप निरीक्षक है, सब इंस्पेक्टर, या कोई दूसरे रैंक का बंदा है जो वो पंचनामा कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वहां। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर एंड पंचर्स, जब भी पंचनामा बनाया जाता है तो सिग्नेचर, जो ऑफिसर पंचनामा बना रहा है उसकी सिग्नेचर, और जो पंच वहां पर पंच बन के, मतलब पंच बनने की पोटेंशियल में है, उनकी सिग्नेचर्स। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सीजर इफ एन, मतलब ऐसी कोई भी चीजें वहां से सीज की गई हो, वो सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल जो सीज की गई उसकी सारी डिटेल्स उसमें डाले। वन ऑफ द केस जहां पे जैसे ग्रीवियस हर्ट है 326 में, 326 में ग्रीवियस हर्ट है, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसके बाद ये सारे इंसिडेंट्स में आप देखोगे कि कौन से हथियार से सामने वाले के ऊपर अटैक किया गया, कौन सी सारी चीज, मतलब ऐसा क्या सब्सटेंस था उनके पास जिससे अटेम्प्ट किया गया किसी को मारने का या ग्रीवियस हर्ट देने का। तो वो चीज जो सीज हुई है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद काइंड्स ऑफ पंचनामा, काइंड्स ऑफ पंचनामा और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर क्रिमिनल ट्रायल, ये दोनों टॉपिक्स हम आने वाले वक्त में, अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले बता देता हूं कि काइंड्स ऑफ पंचनामा में कौन कौन से पंचनामा होते हैं। पहला स्पॉट पंचनामा, उसके बाद सीजर पंचनामा, कोई चीजें सीज की जाती है स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट, जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था, ऑन द स्पॉट चले गए, वहां पर एक स्केच बनाया, स्पॉट पंचनामा। उसके बाद इंक्वेस्ट पंचनामा, जैसे मैंने कहा कि सुसाइड कॉन्सेप्ट हो तो वहां पर आप इंक्वेस्ट पंचनामा होता है। अरेस्ट पंचनामा, अरेस्ट पंचनामा मतलब कभी किसी बंदे को, अगर कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उसको अरेस्ट किया जाए, तो उसकी जब प्रॉपर सर्च होती है तो उससे क्या क्या चीजें बरामद होती है, तो उसको वो सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसे अरेस्ट पंचनामा कहते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम अगले वीडियोस में प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, इस मेमोरेंडम पंचनामा। उसके बाद ऐसे कौन से सारे प्रोविजन है क्रिमिनल ट्रायल में जो पंचनामा के बारे में, इन रिगार्ड्स टू पंचनामा, ही ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन। सो पहला सेक्शन है सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी, उसके बाद सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 165 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारी चीजें हम पंचनामा से रिलेटेड है, हम अगले वीडियो में और ही टेक्निकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, वॉट एवर यू फील लाइक आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए क्वेश्चंस, कोई भी आपकी क्वेरी हो यू कैन आस्क द क्वेरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।